खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और बारिश और बाढ़ से बिहार भी बेहाल है। जी हाँ, नेपाल से सटे बिहार के अररिया का तो सबसे ज्यादा बुरा हाल है। वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अररिया के बसंतपुर में हमारी मौजूदगी है, चारों तरफ पानी है और लोग किसी तरीके से दिन और रात काटने को मजबूर हैं। प्रशासन की तरफ से अभी कोई मदद नहीं पहुंच पाई है यहाँ। और जिस घर में मैं मौजूद हूँ उसकी तस्वीरें दिखाऊं कि घर के आंगन में पूरी तरीके से पानी भरा पड़ा है, कान है लेकिन पानी इसमें पूरा घुस गया है, घुटने तक पानी यहाँ पर है। और ये बांस बल्ली और लकड़ियों के सहारे बनाया गया मकान है। ये किचन था इस घर का जो फिलहाल डूबा हुआ है और किसी भी क्षण ये टूटकर गिर भी सकता है क्योंकि ये लकड़ी का और मिट्टी से बनाया हुआ मकान है। दूसरे कमरे की भी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जो नीचे की मिट्टी है वो पूरी दलदल हुई है और जो घर है वो इस वक्त पूरी तरीके से डूबा हुआ है। ठीक है, पानी में डूब कर अस्पताल ले जा रहे हैं दवाई दिलाने। ये बताइए, बच्चे कब से बीमार हैं आप? बच्चे कल से बीमार है जी। क्या हुआ है इनको? बुखार हुआ है और उल्टी पे उल्टी कर रहे हैं। घर डूबा हुआ है, पानी मेरे घर पे इतना पानी है। तो अभी आप वहीं से आ रहे हैं? हाँ, मैं वहाँ से आ रहा हूँ। ये बच्चे मेरे जो घर के सदस्य है यहाँ पे है, अपने बहन के यहाँ। हालात ये है जी, सोचने वाली बात यह है आस्था कि हर साल कुछ ऐसा ही दिखाई देता है लेकिन सरकार फिर भी नहीं चेतती, कोई व्यवस्था नजर नहीं आती। रहने के लिए घर नहीं बचा लोगों के पास, खाने के लिए खाना नहीं है, प्रशासन की मदद दूरदराज इलाकों तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन इस बीच सीतामढ़ी में एक गांव की सरपंच बाढ़ में वो काम कर रही है जो दूसरों के लिए मिसाल बन गई है। देश के नेताओं को ऋतु से सीखना चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट। मुसीबतों में भी मुस्कुराने और हंसने वाले लोग हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, जीना इसी का नाम है। 1969 में आई राज कपूर की फिल्म अनाड़ी का ये गाना आज 60 साल बाद भी लोगों को मुश्किल वक्त में हौसला दे रहा है। ऐसे वक्त में जब सरकार हवाई सर्वेक्षण और समीक्षा बैठक कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेती है तब सामने आती है ऋतु जायसवाल जैसी आवाज़। सीतामढ़ी जिले की सिंहवासनी गांव की मुखिया ऋतु जिस तरह से जमीन पर उतर कर लोगों की मदद कर रही हैं, वो काबिले तारीफ है। हम पकड़े हुए हैं। सिंहवासनी में बाढ़ के हालात जानने के लिए ऋतु को कमर तक पानी में उतरना पड़ा, जिसका वीडियो उन्होंने फेसबुक पर लाइव किया। अब सबसे बहुत उम्मीद वाली नजरों से देख रहे हैं हम गांव के, हम पंचायत के लोग। मदद मिलेगी अभी हमें जरूरत कुछ तिरपाल और कुछ राशन की है ताकि कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे। कुछ कुछ घरों तक अनाज पहुंचाना बहुत जरूरी है। चारों तरफ वहाँ पानी है। जैसे ही ऋतु खुटहा गांव पहुंची, उन्होंने लोगों का दर्द सुना तो खुद को संभाल नहीं पाई। तो ऋतु से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हमारे नेताओं को। केवल बिहार का ही ये हाल नहीं है, देखिए यूपी भी बाढ़ और बारिश की मार झेल रहा है। तस्वीरें यूपी के बलिया की है जहां भारी बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। लोग घरों के बाहर नाव की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। घरों के अंदर भी पानी भर गया है जिस वजह से लोगों पर खाने का संकट आ पड़ा है और वो छत पर रहने को मजबूर है।
बाढ़ जैसे हालात की मुख्य वजह है टोंस नदी के पानी का उल्टी दिशा में बहाव और हाल ही में हुआ चक्रवर्ती तूफान। यूपी के ही बिजनौर में भारी बारिश से मिनी एयरपोर्ट के दफ्तर की छत ही ढह गई और मलबा कर्मचारियों के टेबल पर गिर पड़ा। अच्छी खबर ये रही कि हादसे के वक्त कोई कर्मचारी वहां नहीं था और कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। यूपी में आंधी और बाढ़ बारिश से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और मृतक के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। तो बाढ़ और बारिश यूपी के कई सारे जिलों में आफत बनकर टूटी है। आफत सिर्फ ऐसी वैसी नहीं, अब बाढ़ और बारिश की वजह से अब कई जगहों पर दर्दनाक हादसे भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में देखिए, बरसाती नाले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यूपी के गोंडा में बरसाती नाले की वजह से 2 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक खेत से परिजनों को खाना देकर लौट रहे चचेरे भाई 11 साल के कपिल और 13 साल के सोनू की तालाब में गिरने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चों की जान एक दूसरे को बचाने की कोशिश में गई। एक लड़का जो सोनू था वो डूबने लगा, फिसल गया वो, तो उसके चचेरे भाई कपिल ने भी उसे बचाने का प्रयास किया। इस प्रयास में दोनों ही बच्चे नाले में डूब गए और इनकी मृत्यु हो गई। मौत की खबर के बाद दोनों परिवारों में मातम छा गया है। तो सिर्फ बिहार और यूपी नहीं, देश के कई सारे राज्य हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं और उसका प्रकोप झेल रहे हैं। सबसे ज्यादा दुर्गति बिहार और असम की हुई है, वहां से आ रही हैं तस्वीरें, आपको दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद पूर्वी भारत बाढ़ के संकट से जूझ रहा है। बिहार और असम को बाढ़ ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य के करीब 26 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और अब तक 25 लोगों की मौत हुई है। असम में अब तक बाढ़ से मरने वालों की संख्या 50 के करीब पहुंच चुकी है। राज्य के 33 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं और 45 लाख लोगों को प्रकृति के इस प्रकोप से परेशान होना पड़ रहा है। असम में मौजूद विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा पार्क भी 90% जलमग्न है। पूर्वी भारत में हालात बुरे हैं तो दक्षिण भारत में भी खतरे की घंटी बज चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। इदुक्की और मलप्पुरम समेत राज्य के 6 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं उत्तर भारत में मॉनसून की बारिश जारी है। यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली NCR में बारिश ने लोगों को राहत दी है।